ये वाला फोल्डर है आपके पास पूरा कंप्लीट, सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, एचपीडीसी, ये सब है। ये नहीं है? हाँ तो मैं भी, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, हो सकता है। चलो मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, इसके बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर देखो सभी लेक्चर्स वगैरह सभी आपको मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर तो मैं ले रहा हूँ। ये वाला पोर्शन जो है अंडरकट वाला पोर्शन, ये कोर साइड में आ गया ना, आ गया। चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से मैं हटा देता हूँ जरा। अभी मैंने इसमें श्रिंकेज वैल्यू ले लिया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने श्रिंकेज वैल्यू ले लिया है, तो कैविटी बड़ी हो गई है, कैविटी बड़ी हो गई ना जब श्रिंकेज वैल्यू आपने ऐड कर दिया उसके अंदर। चलो इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, कंपोनेंट को मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब जब कूलिंग के बाद जो कंपोनेंट आपको मिलेगा किसी मोल्ड में से, मतलब मोल्ड में से जो कंपोनेंट मिलेगा वो थोड़ा सा श्रिंक होकर मिलेगा, श्रिंक होकर मिलेगा ना। चलो तो जो श्रिंक वाला कंपोनेंट है ना वो क्या सा रहेगा, जो हमारा एक्चुअल डायमेंशन के कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का डायमेंशन रहेगा ना वो ये रहेगा, एक्चुअल डायमेंशन तो ये होगा ना इसका, क्योंकि ये तो कैविटी है, श्रिंक होने के बाद आपको ये मिलेगा। तो चलो इतना है समझ में, हाँ। अंडरकट के बारे में, अंडरकट के बारे में हम लोग आने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग मल्टी कैविटी मोल्ड को हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा विद द कैलकुलेशन, ठीक है। तब हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल अंडरकट के बारे में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। चलो इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, वन मिनट, ठीक है। क्या मैं इसको, इस पोर्शन को क्या मैं वीएमसी से बना सकता हूँ क्या, ये वायर कट से कैसे बन सकता है, हाउ बताओ, एडीएम से बनेगा। अच्छा एडीएम से अगर ये बनेगा तो चल ये, हाँ तो बेसिकली इसको किस तरह से इजी रहेगा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमको इसका इंसर्ट बनाना पड़ेगा, है ना। पहले तो देखो इलेक्ट्रोड अगर आप बनाओगे तो, इलेक्ट्रोड बनाओगे तो आप कितनी अंदर तक ले जाओगे उसको इलेक्ट्रोड को, और इसका पहले तो ये देखो कि विड्थ कितना है, देखो कितना छोटा है, ठीक है। जब आप इसका विड्थ देखोगे ना तब आपको पता चलेगा 1.7 है। आप बना सकते हो क्या, वायर कट से तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, वायर कट से अगर बनाएंगे तो वायर कट के लिए तो थ्रू चाहिए ना हमको। देखो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, इंसर्ट बनाना पड़ेगा। तो इंसर्ट क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा इंसर्ट बनाऊंगा ताकि इसके एरिया को मैं कवर कर लूंगा, क्या करूंगा इसके एरिया को कवर कर लूंगा। देखो यहाँ से ये लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये लेते हैं, ठीक है, इसको ले लिया 20, यहाँ से कर दिया इसको ट्रिम और ये ट्रिम, ठीक है। इसको कर दिया ओके, ठीक है, ये हो गया, डबल क्लिक करके ट्रिम और इसको भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करा मैंने, एक स्केच बना दिया और इसको मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करा और इसमें से क्या निकाल देते हैं, एक इंसर्ट निकाल देते हैं, यहाँ से कनेक्टेड कर और कर दिया ओके, ठीक है, कंट्रोल जे, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग हो गया। अब अगर मैं इसको पीछे से अलग करना चाहूं, अलग हो जाएगा। इसको बना सकते हो ना, अब स्पेस बढ़ गया, ठीक है। लेकिन शार्प एजेस को खत्म करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, एडीएम वर्क इसमें करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको कम करना पड़ेगा एडीएम, क्यों, क्योंकि इस पॉकेट को तो, इस पॉकेट को तो आप वीएमसी से बना सकते हो ना, हाँ। शार्प एजेस तो आपको उसमें एडीएम से ही करना पड़ेगा, शार्प एजेस के तो एडीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन शार्प एजेस को अगर आपको एडीएम से इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर क्या होता है, छोटा सा जो एक था ना ये पूरा का पूरा, इसके लिए आपको पूरा एडीएम का इस्तेमाल करना पड़ता, तो आपको कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता है कि नहीं। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, तो हमने यहाँ पर क्या है, किसका इस्तेमाल किया, इंसर्ट का इस्तेमाल किया है। तो इंसर्ट का अगर इस्तेमाल किया तो ये वाले पूरे पोर्शन को तो हम वायर कट से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना पूरे पोर्शन को। देखो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर वायर लगाया और ये इस तरह से पूरा
वायर कट से निकाल देंगे इसको, ठीक है, आया समझ में? ये वाला जो पिन है इसको वीएमसी से बनाना पॉसिबल है क्या? बन जाएगी? हाँ, सॉलिड जो खड़ी है उसको, लेकिन ईडीएम ऑपरेशन लगेगा, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस हैं, ये पिन वगैरह टूट जाएगी तो हमारी पूरी की पूरी डाई खराब हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी इंसर्ट पिन बना सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो इसके लिए भी इंसर्ट पिन बनाएंगे हम लोग और इसको भी यहाँ से अलग कर लेंगे। देखो तो ये चीज जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या, उसके अंदर भी ये लोकल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, लोकल इंसर्ट हो गया। अच्छा, कंट्रोल एच करके बताओ, ये वाला पोर्शन कैसे बनाओगे? फॉर्म टूल से बनेगा, अच्छा ठीक है। तो लेकिन इतने छोटे से गैप में से आप बना सकते हो क्या इसको? नहीं बनेगा ना, अगर इतने छोटे से गैप से नहीं बनेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरे को आपको अलग करना पड़ेगा, इसको पूरे को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर आपको लोकल इंसर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इसको कर दिया मैंने, ओके। अब बनना पॉसिबल है, राइट, है ना? तो ये कंसेप्ट है, इस तरह से आप इसका कोर और कैविटी इंसर्ट वगैरह बनाओगे। चलो ठीक है, इसका कंप्लीट एक मोल्ड मैं आपको बताऊं, चलो एक मोल्ड इसका दिखाए थे कंप्लीट, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगी चीज, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, आपने डस्टर का सबका बना लिया, डस्टर का सब लोगों ने बना लिया है? चलिए, ये है हमारा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसके लिए ये रहा, ठीक है, बोल सकते हो एक कंसेप्ट मोल्ड जिसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। हाँ, यस, जी, ये मॉडल समझ में आया आपको? किससे का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, हम जंप आउट प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर पीपी मटेरियल या फिर कोई ऐसा मटेरियल जिसका श्रिंकेज वैल्यू अच्छा है तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, 0.5 mm का इसके अंदर अंडरकट होना चाहिए, वो भी राउंड होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 1.5 राउंड तक का आप ले सकते हैं। थ्रेड कंपोनेंट को भी आप जंप आउट प्रोसेस से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल अंडरकट होता है जिसके अंदर, ठीक है। चलो, इतना आया समझ में? चलो इसको यहाँ से हटाए, सॉरी, सॉफ्टवेयर में कैसे निकालते हैं, चलो एक बार बता देता हूँ। जैसे मान के चलो ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये रहा कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट है। अब इसका निकालना है वेट, तो सबसे पहले इसका क्या देना पड़ेगा, हमको डेंसिटी देना पड़ेगा। हर मटेरियल की एक अलग अलग डेंसिटी होती है, जैसे एमएस मटेरियल की डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, उस तरह से प्लास्टिक मटेरियल में पीपी की डेंसिटी क्या होती है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है, ये दे दो। तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये है पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल, यहाँ पर मास मेजर बॉडी में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मास, मास देखेंगे, ये रहा मास, कितना आया, 0.04462 केजी, इसका मतलब हुआ 0.004462 केजी को आप इनटू 1000 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4.4 ग्राम। तो बेसिकली ये मटेरियल, ये जो कंपोनेंट है, कितने ग्राम का है, 4.4 ग्राम का। यहाँ पर कभी ये मत देख लेना वेट, अगर वेट देखोगे तो न्यूटन में आएगा, तो ये क्या होता है, ग्रेविटी को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं तो आप बोलोगे सर ने वेट बोला था, तो बोले वेट देखना है हमको, तो देखोगे तो 0.4, तो बोलोगे कि नहीं 43 ग्राम का है कंपोनेंट, है कि नहीं? ऐसा नहीं, यहाँ पर 9.8 का गुणा हो जाता है मास में, ओके। चलो, आया समझ में आती है ये चीज, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलो ये देख रहा था मैं, ठीक है। तो फीड सिस्टम क्या होता है बेसिकली, बताओ, ठीक
है ना। तो बेसिकली फ्लो वे प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग किसी भी मटेरियल मतलब इम्प्रेशन के अंदर मटेरियल को भेजने का एक रास्ता होता है, ठीक है, एक वे होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली फीड सिस्टम के यहाँ पर तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्प्रू, एक होता है रनर और एक होता है गेट, ठीक है। रनर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी रनर और एक होता है सेकेंडरी रनर, ठीक है, ठीक है। तो फीड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रू, प्राइमरी रनर, सेकेंडरी रनर एंड द गेट, ओके। यहां पर स्प्रू जो होता है ना, ये स्प्रू किससे बना होता है, ये बेसिकली प्राइमरी पॉइंट होता है इसकी, ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको किसी मोल्ड का, जहां से मटेरियल एंटर करता है उसको बोलते हैं अपर्चर होल। आप एक बार लिख सकते हो पेन और कॉपी अगर आपके पास हो तो, क्या है अपर्चर होल, जो कि अपर्चर होल का डायमीटर हमको कहां से मिलता है, देख लेते हैं कहां से मिलता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से मिलता है ना। जैसे ये हमारे पास ये है मशीन का स्पेसिफिकेशन है ना, नोजल का डायमीटर हमको कहां से मिलता है, वहीं से मिलता है। तो नोजल का जो डाया होता है उसके हिसाब से हम लोग अपर्चर का डाया लेते हैं, तो स्प्रू बुश के ऊपर जो डाया होता है ना वो अपर्चर डाया होता है, तो हम लोग उसको कितना ज्यादा लेते हैं, उसको हम लोग 0.8 ज्यादा लेते हैं, ठीक है, कितना 0.8 हम लोग ज्यादा लेते हैं इसको। क्यों लेते हैं 0.8 ज्यादा, ताकि ये जो नोजल है इस नोजल का सही से इसके साथ सेंटर अलाइनमेंट हो सके और ऑफसेट ना हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन डायमीटर है इसके अंदर पूरी तरह से एंटर करना चाहिए, बेसिकली फॉर द सेंटर अलाइनमेंट और द बेसिकली आप बोल सकते हो इसका होल, फॉर एग्जांपल इसका जो नोजल का जो होल है ना वो 4 mm का है, 4 mm डाया का है, ठीक है। तो इसका जो अपन स्प्रू बुश का लेंगे वो 4.8 लेंगे, ठीक है, ताकि ये जो 4 mm का डाया इसके अंदर पूरी तरह से इंटर कर जाए। चलो यहां पर है रनर डायमीटर, देखो जनरली अगर देखा जाए कि रनर डायमीटर का कैलकुलेशन, वैसे तो कैलकुलेशन का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लेकिन मान के चलो अगर हमारे पास कोई छोटा सा मोल्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100x100 का हमको मोल्ड बनाना है वर्टिकल मोल्डिंग मशीन के लिए, तो वहां पर आपके जो कंपोनेंट की वॉल थिकनेस है ना उसका 1.5 गुना आप कर दोगे तो रनर का डायमीटर आप लोग वहां पर ले सकते हो। लेकिन ये वाला जो थंब रूल है ये हर जगह काम नहीं आएगा, आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, अगर छोटा मोल्ड है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिक रूल ऑफ दिस कैलकुलेशन इज अ रनर डायमीटर मस्ट बी 1.5 टाइम ऑफ द थिकनेस सेक्शन ऑफ द पार्ट, ओके। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हो, ठीक है, बाकी हम कैलकुलेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। वी हैव अ कैलकुलेशन फॉर द रनर डायमीटर, डी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू द पावर 1/2 इंटू एल टू द पावर 1/4 डिवाइड बाय 3.7। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, पार्ट का वेट है, क्या है यहाँ पर, पार्ट का वेट है, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, रनर लेंथ है, ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, हमको डायमीटर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पर डायमीटर किसका मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा प्राइमरी रनर का डायमीटर, जो ये प्राइमरी रनर दिख रहा है ना इसका डायमीटर हमको मिलेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये वाला मॉडल हमारे पास अवेलेबल है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ या फिर इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, कल के दिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1 मिनट, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वाड्रेंट पॉइंट तक का, है ना। अगर मैं इसको 4 cavity बना रहा हूँ, 20 mm होना चाहिए अगर मैं इसको 4 cavity बना रहा हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार, कितना हो गया, 19 mm हो गया। चलो इसको अभी मैं मिरर कर रहा हूँ, लेकिन मिरर आपको करना नहीं है कभी भी, ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मिरर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर रनर का डायमीटर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर मिरर क्यों नहीं करना है आपको, क्यों मैंने मिरर का मना किया है, लेफ्ट और राइट हो जाएगा और कंपोनेंट आपका गलत हो जाएगा, हाँ कंपोनेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मिरर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, हमेशा पैटर्न वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। चलो यहाँ पर है ना ये इसको ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है,
इसमें गेट का जो लेंथ है उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। इसको ले लिया 45 यहाँ पर, ये हो गया कोल्ड वेल का साइज, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से लेआउट को बनाओगे आप केविटी के नंबर ऑफ केविटीज के लिए। एक कंपोनेंट से फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर ऑफ केविटीज ज्यादा होता तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच की दूरी मिनिमम आपको 15 mm रखनी होती, क्वाड्रेंट पॉइंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है और इसकी पोजीशन इस तरह से है, लेआउट की पोजीशन इस तरह से, ठीक है। कंपोनेंट का वेट निकालना है पहले, चलो कंपोनेंट का वेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कंपोनेंट का वेट? हाँ, बेसिकली देखो सबमरीन का जो गेट का कैलकुलेशन है ना, वो गेट का कैलकुलेशन का जो लास्ट वाला जो गेट का डाया है, ठीक है, बेसिकली आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। बाकी आपको उसको एंगल देना है तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री कोई भी एंगल आप दे सकते हो, मतलब शुड बी फेजिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट, जिसको आप बना सकते हो बाय द फिक्सचर। हाँ, 30 to 45 डिग्री, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ हाँ कैलकुलेट करेंगे ना, डोंट वरी। चलो अभी पहले इसको देख ले, पहले नॉर्मल डायमीटर को अपन सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका वेट कितना था? 4.4 ग्राम, मतलब 4.5 ग्राम था, 4.5 ग्राम। नंबर ऑफ कैविटीज कितना है? 4x, हाँ कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। चलो 18 ग्राम ले लेते हैं। उसके बाद लेंथ दे रहे, खुद देखो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ देख लेते हैं यहाँ से। ये देखा लेंथ कितनी है, लेंथ 166, तो रनर की टोटल लेंथ कितनी हो गई? 166 हो गई, ठीक है। फॉर्मूला क्या अवेलेबल है हमारे पास? फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, हाँ बोलिए। हमने लेआउट बनाया है, रनर का लेंथ क्या होगा? ये वाला पूरा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है। ये सब रनर का लेंथ हो गया, ये रनर का लेंथ हो गया, तो सब रनर और रनर, क्योंकि टोटल इसमें पूरे में से फुल फ्लो होने वाला है, ठीक है। चलो तो इसका क्या लेंथ देख लेते हैं। हाँ, ये देखो कितना हो गया, 90। इसको इसमें और ऐड कर देते हैं, 128 और ऐड कर देते हैं, कितना? 166, ठीक है। यहाँ पर अब गेट क्या है, गेट तो मुश्किल से 2 mm 3 mm तक जाता है, इससे बड़ा तो जाता नहीं है, ठीक है, 166। चलो यहां से देखते हैं, तो यहां पर क्या देखना है, W वेट कितना है? 18 टू दी पावर क्या रखूंगा मैं, 1/2, मतलब कितना हो गया, 0.5, ठीक है, कितना हो गया, 4.24, याद रखिएगा 4.24, ओके। लेंथ कितनी थी, 166, टू दी पावर क्या रखूंगा, 1/4, मतलब 0.25, ठीक है, कितना हो गया, 3.5 मल्टीप्लाई बाय कितना था वेट, 4.25, कितना हो गया, 15.25 डिवाइड बाय 3.7, कितना मिला, 4.12, ठीक है। मतलब आपको मिनिमम डायमीटर मिल गया कि 4.12 का अगर डायमीटर अगर आप रखोगे तो आसानी से आपका रनर में से मटेरियल फ्लो हो जाएगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो 4.12 से आप थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो, 4.5 का रख लो, निकल गया 4.5 का डायमीटर ले लेते हैं प्राइमरी रनर के लिए, ठीक है। चलो लेंथ सभी के लिए, लेंथ सभी के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, जब हम लोग रनर जो लेते हैं ना, सब रनर का डायमीटर लेते हैं, अभी हम लोग रनर का डायमीटर निकाल लिया, तो सब रनर का डायमीटर हम लोग हाफ भी ले सकते हैं और मेन रनर के बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाफ कब ले सकते हैं,
जब कंपोनेंट का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपोनेंट का वेट अगर छोटा सा है जरा सा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली अगर आप रनर का डायमीटर यहाँ पर बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल मैं 4.5 ही ले लूँ, ठीक है, यहाँ पर 4.5 ले, तो यहाँ से जब मटेरियल फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से अगर जब मटेरियल फ्लो होकर यहाँ पर पहुँच रहा है, पहुँचने के बाद ये क्या कितने में, दो में स्प्लिट हो जाएगा, दो में स्प्लिट हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्लो कम हो जाएगा, यहाँ पर भी फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका जो बोल सकते हो फिलिंग टाइम है, फिलिंग टाइम में मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिलिंग टाइम बढ़ जाएगा इसका, राइट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हाफ करेंगे 4.5 का, हाफ फॉर एग्जांपल हाफ नहीं तो 3 mm कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको कर दिया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लोरेट रहेगा वही फ्लोरेट इधर भी रहेगा, थोड़ा सा कम होगा लेकिन फ्लोरेट यही रहेगा, आया समझ में। जब कंपोनेंट आपका जो कंपोनेंट फॉर एग्जांपल 5-6 ग्राम से अगर कम हो तो आप बराबर रख सकते हो, जब आपका कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा हो फॉर एग्जांपल 15 ग्राम का 20 ग्राम का हो तब आपको उसको वेरी करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ढक्कन होते हैं, बॉटल के ढक्कन होते हैं, तो बॉटल के ढक्कन को आप किस तरह बनाओगे, अब उसमें क्या सबके लिए आप हाफ हाफ रनर करोगे, तो डायरेक्ट ये वाला रनर कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी फ्लो रेट से क्या फर्क पड़ता है कि पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा उसके यहाँ तक पहुंचने में, है कि नहीं। कंपोनेंट जब बड़ा होता है तब बात अलग होती है, ये तो आया समझ में। चलो ऐसे शुरू कर देते हैं, ओके, ऐसे शुरू कर देते हैं, ओके, यस यस, किसका, ये वाला ये आप ले सकते हो, मे बी बाहर 5 mm ले सकते हो, कोल्ड स्लग बेसिकली इसको बोलते हैं, कोल्ड स्लग। ये क्या किस काम आता है, जब आपका मटेरियल यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो देखो यहाँ से जब वो सेंटर से फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद एकदम से फॉर एग्जांपल बाइक लेके आप जाते हो तो कभी मोड़ आता है तो क्या आप एकदम से टर्न मार जाते हो क्या, ब्रेक मारते हो ना, लेकिन यहाँ पर ये मटेरियल ब्रेक मार सकता है क्या, है कि नहीं। तो यहाँ पर मटेरियल अगर ब्रेक नहीं मार सकता ना, तो ये कहाँ डायरेक्ट जाएगा, यहाँ पर जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पड़ेगा, और यहाँ पर क्या स्केल फॉर्मेशन वगैरह का डर रहता है, स्केल फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर क्या डायमीटर कम होगा, है कि नहीं। अगर डायमीटर यहाँ पर कम होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है ना, इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कोल्ड वेल या फिर कोल्ड स्लग बना के रखते हैं, ठीक है। हाँ, 5 mm बड़ा ले सकते हो, चलो वो तो जब आप बेसिकली 5 mm यहाँ से एज से आप ऊपर तक ले सकते हो, बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप खुद डिजाइन करोगे ना, डिजाइन करते टाइम आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितना मैक्सिमम ले लें, क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं है ज्यादा आप 10 mm 15 mm अगर आगे ले लोगे तो क्यों, आपके मटेरियल का ही वेस्टेज है वहां पर, तो है कि नहीं समझ में आया। देखो बेसिकली यहाँ पर देखो ये है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ाते क्यों, मतलब समझा नहीं, मतलब ये वाला एरिया क्यों ले रहे हैं हम, ये पूछना चाहते हो ना, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मान के चलो मटेरियल है, अब मटेरियल एकदम से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या है स्केल फॉर्मेशन होने का डर होता है। अगर मान के चलो इसका डाया मैं यहाँ पर ऐसा का ऐसा रखता हूँ, है कि नहीं, अगर बार बार प्लास्टिक मटेरियल इसी के ऊपर पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या स्केल वगैरह जम सकता है कभी कभी, या फिर वो मटेरियल सूख सकता है वहां पर ही, हो सकता है ना प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ स्केल जम जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है डायमीटर कम हो जाएगा। जैसे पाइप के अंदर अगर मैं बोलूं, जब वाटर फ्लो होता है तो उसके अंदर हरी हरी काई जम जाती है, या फिर वो अंदर से कभी देखना वो गंदा हो जाता है, ठीक है, वो स्केल जम जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी ये चीज होती है, बाकी इसकी मोल्ड की सफाई वगैरह होती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर शॉट के बाद ही तो उसको खोलते हैं, नहीं तो उसको सेटिंग खराब नहीं हो जाएगी। इसके लिए कारण से ये वाला कोल्ड वेल या फिर कोल्ड स्लग हम लोग देते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। हाँ,
दोनों को ऐड करें। चलिए अगर मान के चलो आपके रनर का डायमीटर आपने निकाला, ये थोड़ा सा लिख लेना अगर पेन कॉपी अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको कभी जब आप मोल्ड बनाओगे ना तो ये बेसिक चीज ही है जो आपके वहां पर काम आएगी। नहीं तो आप मोल्ड बना के तो तैयार कर दोगे और आप बोलोगे भाई सर मैंने मोल्ड तो कंप्लीट बनाया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी पार्ट कंपोनेंट अच्छा से नहीं निकल रहा है कि नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मटेरियल के ऊपर, इसलिए मैंने ये वाले लेक्चर में थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो अगर आपके मटेरियल फॉर एग्जांपल पीपी मटेरियल आप यूज कर रहे हो पॉलीप्रोपिलीन, तो पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो ना तो वहां पर उसके अंदर क्या है कुछ ना कुछ मिलाया जाता है उसके अंदर, कुछ 10% 15% क्या है ग्लास फाइबर मटेरियल मिलाया जाता है, कार्बन फाइबर मटेरियल मिलाया जाता है, कंपोजिट मटेरियल उसके अंदर मिलाया जाता है, ठीक है। अगर मान के चलो कुछ परसेंटेज अगर उसके अंदर मिलाया जाता है ना, जितना परसेंटेज मिलाया जाता है फॉर एग्जाम्पल 10% मिलाया गया तो मिनिमम 30% का डायमीटर में आप लोग क्या करोगे इंक्रीमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका डायमीटर अगर 5 mm का निकला ना, तो 5 mm का 30% कितना हो गया, 5 का 30% कितना हुआ, 10 mm का अगर मैं बोलूं 10 mm का डायमीटर निकला तो 10 mm का 30% कितना हुआ 3.3 हुआ ना, मतलब 3.3 बोल लो या फिर जो भी है, ठीक है चलो 3 mm बोल लो, तो आपको उसको 3 mm बढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पर 13 mm का हो जाएगा डायमीटर, राइट। क्यों, क्योंकि ग्लास फाइबर मटेरियल मिलाने से पीपी का मटेरियल का विस्कोसिटी बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है लेकिन उसकी विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है, उसका गाढ़ापन जो होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है इस प्राइमरी रनर डायोड, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैंने आपसे एक बात बोली थी, अच्छा ठीक है इसके अलावा मैंने आपसे एक और चीज बोली थी, क्या चीज कि 1 मिनट, चलो यहां पर मैंने आपको एक चीज कही थी, किसके बारे में, पीपी और पीसी के बारे में बोला था मैंने आपको, बोला था ना पीपी और पीसी के बारे में कुछ चीज कही थी मैंने आपको, मैंने बोला था नोट कर लेना उसको, क्या कहा था, पीपी मटेरियल मतलब पीसी मटेरियल जो होता है ना वो पीपी मटेरियल से क्या होता है वो थिकन होता है, गाढ़ा होता है। हाँ अगर पीपी मटेरियल के लिए अगर फॉर एग्जांपल आपका रनर का डायमीटर अगर 5 mm निकल रहा है ना, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 mm पीसी के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैंने जो चीज आपको बताई ना, यहां पर मैंने आपको जो चीज बताई वो यही चीज है एक तरह से, आया समझ में। चलो यहां पर जब रनर का क्रॉस सेक्शन हम लोग देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन हम लोग कैसा लेंगे, ठीक है या तो फुल राउंड ले सकते हो या तो हाफ राउंड ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर ट्रेपेजोइडल की, वाइड ट्रेपेजोइडल की और पैराबोलिक की अगर मैं बात करूं तो इसका इतना रोल नहीं है, पैराबोलिक को हम लोग यूज करते हैं तो एचपीडीसी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग में फुल राउंड और हाफ राउंड का इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल राउंड के लिए अगर हमारा पूरा डायमीटर निकला, अभी कितना डायमीटर निकला था, फुल राउंड के लिए कितना डायमीटर निकला था 4.5 है ना। अगर हाफ राउंड के लिए अगर हमको निकालना है तो हाफ राउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ राउंड लेंगे तो एक ही साइड पे ले रहे हैं मतलब, तो कितना लेंगे 9 mm ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन होता है, इस तरह से हम लोग डायमीटर सिलेक्शन करते हैं, समझ में आया, बाकी जब आप करोगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। पैराबोलिक एचपीडीसी में, हाँ वैसे जरूरी नहीं कि वहां पर एचपीडीसी में, बेसिकली वो भी क्या होता है, वो भी जो होता है ना वहां पर भी जो हम लोग यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि पैराबोलिक ही यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग वहां पर ट्रेपेजोइडल यूज करते हैं और उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, रेडियस दे देते हैं, हाँ रेडियस तो देना ही पड़ेगा ना, अगर रेडियस नहीं दोगे तो वहां पर शार्प एजेस थोड़ी ना रखोगे आप, शार्प एजेस रखोगे तो वहां पर क्या होगा, वॉल थिकनेस बढ़ेगी, वॉल थिकनेस बढ़ेगी तो क्या आएगा, सिंक मार्क आएंगे जो हमने डिफेक्ट हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम समझो कि हाँ आपको डाई में कोई भी चीज काटनी है तो आपको उसमें रेडियस देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपोनेंट को भी डिजाइन कर रहे हो ना, प्लास्टिक के कंपोनेंट को, तो आपको उसमें भी क्या देना है,
रेडियस देना है। कोशिश करो कि जहां पर अपन नहीं दे सकते तो वहां पर तो नहीं दे सकते, लेकिन जहां पर पॉसिबल है वहां पर अपन रेडियस देंगे। ठीक है, मिनिमम 0.1 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। बेसिकली रेडियस सिर्फ टूलिंग के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से नहीं दी जाती है, वो इजेक्शन मतलब जो कंपोनेंट है वो इजेक्ट भी तो हो सके, क्योंकि अगर वो कॉर्नर से अगर एज होगा उसके अंदर ना, वो तो कंपोनेंट कैविटी कोर के साथ चिपकता है। हाँ हाँ वो तो है। हाँ वो तो है, लेकिन क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं प्रोडक्ट के डिजाइन की बात करूँ, कंपोनेंट डिजाइन की बात करूँ, प्लास्टिक कंपोनेंट डिजाइन की, तो वहां पर भी हमको थोड़ा बहुत रेडियस प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी एचपीडीसी में भी मैंने ऐसे कंपोनेंट बनाए हैं जिसके अंदर मैंने 0.2 और 0.3 तक की रेडियस दी है उसके अंदर। इसमें 0.1 0.2 थोड़ी देना देंगे, इसमें तो हम तो 1 mm 2 mm तो देनी पड़ेगी हमको, है ना। चलो यहाँ पर हमारे पास क्या है ये, चलो इतना समझ में आया आपको इसका, 9 mm क्लियर नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल फुल राउंड है, फुल राउंड रनर के लिए हम लोगों ने डायमीटर को कैलकुलेट किया है, कितना कैलकुलेट किया है 4.5। अगर 4.5 का अगर मैं दुगना करूं, बेसिकली मुझे तो यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया जो पूरा का पूरा चाहिए ना मुझे, तो अगर मैं यहाँ पर हाफ सर्कल ले रहा हूँ तो मुझे तो इसको दुगना करना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर कितना क्रॉस सेक्शन कितने डायमीटर का लिया है, क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है यहाँ पर 4.5 के डायमीटर का लिए। ठीक है, अगर 4.5 के डायमीटर के लिए अगर मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है और अगर मैं इसको यहाँ से आधा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इसका हाफ एरिया हो गया ना। लेकिन इसी के हाफ एरिया को अगर मुझे यहाँ पर दर्शाना है, पूरे हाफ फुल राउंड को अगर मुझे हाफ में दर्शाना है तो मुझे उसका डायमीटर चेंज करना पड़ेगा ना, डबल लेना पड़ेगा ना, है ना। समझ में आया नहीं आया? ओके चलिए, है ना। तो हमारे पास है उसके बाद गेट, उसके बाद है हमारे पास गेट सिस्टम। हाँ नीचे वाले का ये वाला ये D1 है। हाँ ये राइस प्रूफ बुश, ये वाला ये राइस प्रूफ। हाँ उसको अपर्चर बोले, ठीक है। नहीं, नीचे वाले का कोई नाम नहीं है, नीचे ऊपर वाले का अगर अपर्चर होल है तो वहां से अपने आपने जितने डिग्री का ड्राफ्ट दिया है या टेपर दिया है ना, उसके हिसाब से नीचे वाला होल बनेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से नीचे वाला जो होल बनेगा उसके नीचे हम एक और एक वहां पर निकालेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कोल्ड वेल निकालेंगे नीचे। ठीक है, जो कोल्ड वेल निकलेगा ना, जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसके साथ हम लोग यहाँ पर स्प्रू पुलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्प्रू पुलर। हाँ वो क्या है, वो रनर को, फीड सिस्टम को और कंपोनेंट को कोर साइड पे खींच के रखता है, पुल करके रखता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जब स्प्रू पुलर का फंक्शन, 1 मिनट, स्प्रू पुलर बेसिकली क्या होता है कि कोर साइड पे कंपोनेंट को खींच के रखता है। फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, देखो यहां पर ये कंपोनेंट दिख रहा है आपको। अगर ये कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मान के चलो जब ये खुलती है डाई, तो डाई खुलने के बाद अगर ये कैविटी से चिपकी रह गई कभी गलती से तो क्या होगा, हम लोग इसको इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये इजेक्टर ग्रिड का मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर तो, अगर इसके साथ चिपक गया तो, है कि नहीं। तो इसके यहां से सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक स्प्रू पुलर लगाएंगे जो इजेक्टर पिन के ग्रिड के साथ कनेक्टेड होगी, जो कंपोनेंट को कोर साइड पे खींच के रखेगी ताकि वो केविटी के साथ ना चिपके। ठीक है, हाँ ऑफकोर्स हम लोग बाद में डिस्कशन करने वाले थे इसके बारे में, लेकिन बताना पड़ेगा। 1 मिनट,
ओके इसमें होगा मे बी कंट्रोल एच। देखो ये जो रनर है ना, इस रनर का ये कुछ पोर्शन है, इसके साथ क्या होगा अटैच हो जाएगा, इजेक्टर पिन के साथ क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा, और ये इजेक्टर पिन जो रहेगी किसके साथ कनेक्टेड रहेगी, इजेक्टर प्लेट के साथ। ठीक है, इजेक्टर प्लेट के साथ कनेक्ट रहेगी, मतलब ये तो अंदर पोजीशन पर रहेगा अंदर, लेकिन जब ये खुलने की कंडीशन में रहेगा तब ये इजेक्टर पिन तो इसी पोजीशन पर रहेगी ना जब ये खुलेगा तब, लेकिन ये क्या इसको अटका के रखेगा। हाँ हाँ कोल्ड रनर जो भी आप मोल्ड बनाओगे आपको हर मोल्ड में लेना पड़ेगा आपको ये चीज मल्टी।